के बीच विवाद, अखाड़ों के दो गुट आपस में भिड़ गए हैं। मेला प्रशासन के साथ भी बैठक की गई है, दोनों गुटों के बीच हाथापाई हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। मेला प्रशासन के साथ बैठक थी, लेकिन इस दौरान बड़ी खबर आई, दो गुटों के बीच विवाद हुआ है, दोनों गुटों के बीच हाथापाई भी हुई है। सर्वेश दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं फोनलाइन पर। सर्वेश, बड़ी खबर, महाकुंभ अखाड़ों के बीच विवाद हुआ है। देखिए, निश्चित तौर पर जनवरी 2025 में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है, जिसकी शुरुआत 13 जनवरी को पंचपूर्णा के पहले स्नान पर्व से होगी। लेकिन अखाड़ों को जमीन आवंटित करने के लिए प्रयागराज मेला प्राधिकरण की ओर से एक अखाड़ों के साथ बैठक बुलाई गई थी, और मेला प्राधिकरण के ट्रिपल सी सभागार में ये बैठक बुलाई गई थी, जहाँ पर अखाड़े के दो गुट आमने सामने आ गए। किसी बात को लेकर उनके बीच विवाद हुआ और नौबत हाथापाई की आ गई, एक दूसरे के ऊपर जमकर हाथापाई हुई है, लात घूसे चले हैं। और ये सब कुछ वाकया महाकुंभ मेलाधिकारी और SSP की मौजूदगी में हुए, तमाम अधिकारी थे, सभी सकते में आ गए। लोगों ने बड़ी मुश्किल से साधु संतों को वहां पर शांत कराया, जिसके बाद पूरा ये बवाल थमा। लेकिन एक काफी देर तक यहाँ पर अफरा तफरी मची रही। हालांकि एक गुट को यहाँ से कुछ अधिकारी लेकर जमीन दिखाने के लिए चले गए हैं, लेकिन दूसरा गुट अभी भी मेला अधिकारी के साथ कार्यालय में बैठा हुआ है, वहां पर बातचीत चल रही है। इस तरह की भी बात आ रही है कि एक गुट जो है, जिसके पास ये दावा किया जाता है कि उसके पास 8 अखाड़ों का समर्थन है, जिसके अध्यक्ष अखाड़े के सचिव। आप नजर बना रखिएगा लगातार। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए सर्वेश दुबे।